एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें हम बात करते हैं कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। आज एक न्यू अपडेट आया है कि एलएनटी ने फर्स्ट 3D प्रिंटिंग हाउस बनाया है, G+1, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, जिसका ऑलमोस्ट स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट है और इसको 106 घंटों में प्रिंट किया गया है। इसका एक न्यूज आया था टाइम्स ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्शन वीक इंडिया और बिजनेस टारगेट में कि 3D प्रिंटिंग हाउस G+1 इंडिया में फर्स्ट G+1 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है, जो कि अब आने वाले समय पे 2022 तक एलएनटी ने टारगेट किया है कि 60 मिलियन हाउसेस बनाने वाला है। वो 60 मिलियन हाउसेस का मतलब 6 करोड़ घर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में, जो कि रोबोटिक कंस्ट्रक्शन को एक अलग लेवल पे लेके आ जाएगा। सोचो 60 करोड़ घर सिर्फ और सिर्फ 2022 तक। मैं आप लोगों को हर बार ये बात कह रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग अब आगे चल के लेबर ओरिएंटेड नहीं होने वाला है, आपको लेबर छोड़ के अपने कोर फील्ड में जाना पड़ेगा, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, चाहे वो पीएमसी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर एक पार्ट पे। रीजन क्या है बताए? क्योंकि अब आपको लेबर नहीं संभालना है। जिस तरीके से ये 3D प्रिंटिंग आके इस पूरे करियर को एक अलग लेवल पे पहुंचाने वाला है, जिसकी हम बात करते हैं, एनवायरमेंटल 106 घंटे में बनाया गया है, will not accelerate the pace of construction but also significantly improve building quality, कि जो लेबर गलतियां करती थी वो मशीन नहीं करेगी। इसीलिए हम बार बार आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि जो कि अब लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आ गया है। इसके पीछे का रीजन आपने देखा होगा, ये फोन 2004, 2003, 2005 के आसपास आप लोग के फैमिली में लगभग ऐसे ही फोन होते थे, फीचर्स फोन, थोड़े से कलर होते थे, 1100, 1110, 1200। लेकिन 4 से 5 सालों में स्मार्टफोन ने आके पूरी कहानी बदल दी और आज पूरा का पूरा इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन नहीं, पूरी इंडस्ट्री फोन पे शिफ्ट हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले समय पे आज भी एज अ सिविल इंजीनियर हमको लैपटॉप की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर हम फोन में यूज कर ले रहे हैं। ऑटोकैड फोन में यूज कर ले रहे हो, एक्सेल फोन में यूज कर ले रहे हो, पीपीटी फोन में यूज कर ले रहे हो, सारे एप्लीकेशन फोन में यूज हो जा रहा है। आने वाले समय पर लैपटॉप का भी पूरा करियर खत्म होने वाला है। ये कौन इतना भारी भरकम लेके चलेगा? खत्म हो भी चुका है। आप टैब को लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो, जो टैब है उसको आप लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो। उसी तरीके से पूरे इंडस्ट्री से जो लेबर है वो खत्म हो चुका है। आपको मालूम होगा आज से करीब 15-20 साल पहले पूरे गांव होते थे एक्सकवेशन करने के लिए, कि पूरी एक्सकवेट, एक गांव होती थी जो टाउनशिप में आता था और एक्सकवेट करता था। एक दिन में एक हस्बैंड वाइफ मिलके एक गड्ढे खोदते थे, 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का ऑलमोस्ट, वो एक दिन में एक गड्ढा खोदते थे और उनका रोजी रोटी आराम से चल रहा था। लेकिन जेसीबी आने के बाद इसको पूरा खत्म कर दिया। एक जेसीबी एक दिन में पूरा टाउनशिप खोद दे रहा है। हमको काम की स्पीड से मतलब है, उनके इमोशन से नहीं कि लेबर क्या करेगा यार, मशीन आ जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो इंडिया में डेवलप हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो रहा है, वो पूरे इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके रख देगा कि लेबर अब लगेंगे ही नहीं। और कोरोना ने तो और बता ही दिया कि भैया अब लेबर की जरूरत है ही नहीं हमें, कि जिस तरीके से लेबर ओरिएंटेड वर्क इफेक्टेड हुए हैं इस पैंडेमिक में, अब लोगों को और डेवलप करना है। उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं आपको। कॉन्क्रीटिंग, पहले 150-150 लेबर लगते थे स्लैब की कॉन्क्रीटिंग करने में। यदि 100 M³, 150 M³ का स्लैब हो गया तो 40-50 लेबर लगते थे। लेकिन आप 5-10 लेबर मिलकर काम खत्म कर दे रहे हैं, कि एक ऑपरेटर चाहिए जो मिक्सर मशीन चलाएगा, जो वहां पे रेडी मिक्स कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन चला रहा है, एक एक ड्राइवर चाहिए जो TM चलाएगा, ट्रांसिस मिक्सर कॉन्क्रीट लेके आएगा, एक पंप ऑपरेटर चाहिए जो पंप से कॉन्क्रीट ऊपर पहुंचाएगा, एक वो जो ऑपरेटर चाहिए जो ये पकड़ के कॉन्क्रीट डालेगा, और 4 लेबर काम खत्म कर दे रहे हैं। मतलब 8-10 लेबर मिलकर जितनी बड़ी कॉन्क्रीटिंग हो सब खत्म कर दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये मशीन लर्निंग कि आगे बढ़ रहा है पूरी की पूरी इंडस्ट्री, कि कॉन्क्रीट एक्सकवेशन, यहां तक पेंटिंग, प्लास्टरिंग और पेंटिंग के हर एक पार्ट, सारे लेबर खत्म हो रहे इस इंडस्ट्री से। जिस तरीके से 4 से 5 सालों पे, 2003-04 पे फीचर्स फोन थे और 2009-10 तक स्मार्टफोन आया, और स्मार्टफोन ने वो डेवलपमेंट लाया कि 10 सालों में पूरा फीचर्स फोन खत्म। अब सिर्फ स्मार्टफोन होता है उसी रेंज में, जो 3000-4000 में फीचर्स फोन आते थे, आज 3000-4000 में स्मार्टफोन आ जा रहे हैं। उसी तरीके से समय लगेगा जरूर, लेकिन इस तरीके से ये इंडस्ट्री डेवलप होगा कि जो ब्रिक पहले लेबर बनाता था चिमनी भट्टी में, आज वो मशीन बना रहा है। काम वही है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये तो सेल्फ कॉम्पैक्टेड होता था, ये मशीन कॉम्पैक्टेड, स्ट्रेंथ ज्यादा है, अच्छी क्वालिटी के साथ हम मशीन से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लेबर फेलियर होता था वो मशीन फेलियर नहीं हो रहा है। तो इन फ्यूचर हमको लेबर नहीं संभालना होगा, हमको संभालना होगा कंसल्टेंसी,
हमको ऑब्जर्वेशन करना होगा, हमको एस्टिमेशन निकालना होगा, हमको बिलिंग करना होगा, हमको क्वांटिटी सर्वे करना होगा, हमको पूरा का पूरा रेट एनालिसिस करना होगा, मशीन से कैसे होगा, लेबर से कितना होगा, कौन सा पार्ट लेबर से कराना है, कौन सा पार्ट मशीन से कराना है, ये हमको आईक्यू हमको डेवलप करना होगा उस पार्ट को समझ समझ के। पूरे आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी, स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट प्लानर, ये डेवलपमेंट है इन फ्यूचर, आपको ये समझना होगा और सारी चीजें सीखनी होगी। सिर्फ डिग्री से काम नहीं होने वाला यार, सिर्फ डिग्री से काम नहीं होने वाला, क्योंकि अब सिर्फ ब्रिकवर का मशीन बचा था, ब्रिकवर की भी मशीन आ चुकी है इंडस्ट्री में, कि जो ब्रिकवर्क में अलग अलग जगह पे किस तरीके से ब्रिकवर्क होगा, टर्न होगा, उसमें बॉन्डिंग होगा तो इंग्लिश बॉन्ड होगा कि स्ट्रेचर बॉन्ड होगा कि फ्लेमिश बॉन्ड होगा, कौन सा होगा, वो सब यहीं से डेवलप होने वाला है। तो सिर्फ ऑपरेटेड मशीन, ऑपरेटेड वर्किंग है, टाइल लगाने के लिए भी मशीन आ चुके हैं, उसके रबरिंग के लिए मशीन आ चुके हैं, हर एक पार्ट के लिए। अब ये सब को एक जूट बना देंगे, अलग अलग इंडस्ट्री डेवलप हो चुका है, अब कोई और आएगा आतंकवाद और इसको पूरा को एक कंबाइन करेगा, एक ऐसा मशीन बनाएगा कि पूरा घर जिस तरीके से 3D प्रिंटिंग में सिर्फ वॉल बन रहे हैं, धीरे धीरे सारे पार्ट 3D प्रिंटिंग से होने लगेंगे। ये पार्ट डेवलप होने वाला है, लेबर पार्ट में अब ऑफिस वर्क डेवलप होने वाला है, जो आज तक कहा जाता था कि इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने अब ठाना है कि आपको आगे ये लेबर वर्क नहीं होगा, पूरा का पूरा मशीन वर्क होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप लेबर संभालना चाहते हो कि आप इंडस्ट्री में परफेक्ट बनना चाहते हो। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि सिविल गुरुजी का कोर्स क्यों करना चाहिए, टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, कि जो जिसके पास सिर्फ डिग्री है अब उस डिग्री से अलग खड़े हो गए पूरे के पूरे टेक्निकल स्किल के साथ, टू बी अ यूनिक एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर। इस वीडियो का पूरा कंप्लीट लिंक मैं आपको यहां आई बटन में दे रहा हूं, एक डिटेल में मैंने इस वीडियो को समझाया हुआ है कि क्यों आपको सिविल गुरुजी का एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ टू इनहेंस योर करियर, कि आप इस छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट तक कैसे जाओगे, और टू सेव योर मनी एंड टाइम, कम समय पे कम पैसे में आप सारी चीजें सीख सकते हो। क्या सीखते हो ये बताता हूं, कि सिर्फ डिग्री ही से मतलब नहीं होता, मतलब होता है ये सारे स्किल से। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, गूगल स्केचअप, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रैबिट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्टैट प्रो, ईटैप, प्रोजेक्ट प्लानर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्राइमावेरा, ये 8 सॉफ्टवेयर आपको सीखना बहुत जरूरी है, कि तब आप जब सीखोगे ना तब आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट किस पार्ट में है। आपको डिजाइनिंग पार्ट में मजा आता है, आपको एनालिसिस पार्ट में मजा आता है, आपको प्लानिंग पार्ट में मजा आता है, जिस पार्ट में मजा आता है वो पार्ट जाके आप ज्वाइन कर लो इस इंडस्ट्री में, आपका करियर डेवलप होगा। प्रैक्टिकल स्किल, एस्टिमेशन, बीबीएस, सर्वेइंग, रेट एनालिसिस, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिकॉन्सिलेशन, प्राइस एस्केलेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, टेंडरिंग वर्क, ये सारे पार्ट सीखने के बाद समझ आता है कि हम किस पार्ट में डेवलप कर रहे हैं अपना करियर, किस पार्ट में मेरा इंटरेस्ट है। जिस तरीके से मुझे बिलिंग एंड प्लानिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना फर्स्ट डे से ही बिलिंग एंड प्लानिंग का करियर चूज किया। भले मैं साइट इंजीनियर था, लेकिन काम करता था एज अ बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर, तो मेरा करियर 5 साल में एक अच्छा डेवलप हुआ। वही मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे हम कम समय पर अपना करियर डेवलप करें। लेबर संभालना हमारा काम नहीं है, और ये सारे कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम ये चैलेंज करते हैं पूरे की पूरी वर्ल्ड को, कि यदि ये पूरा कंटेंट किसी एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, दैट इज सिविल गुरुजी, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि सारा कंटेंट आपको एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, वो भी एक लीस्ट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड 14,847 रुपीज, वो भी लाइफ टाइम ऑफर के साथ, दैट इज लिमिटेड टाइम ऑफर, कि आपको कुछ ही समय के लिए ऑफर दिया जा रहा है, अदरवाइज 1 साल की वैलिडिटी जो कि हम ऑफर कॉस्ट में लाए थे 9,847, वो बंद हो चुका है, और जो कि इसका रियल वैल्यू है वो सारी चीजें 8 सॉफ्टवेयर और पूरा प्रैक्टिकल वर्क, दैट इज 60,000 फॉर 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। और यदि आपको ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ चाहिए, तो आप 14,847 रुपए में इसको लेकर सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कंप्लीटली 400+ प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, ये लाइव क्लासेस नहीं होगा कि ट्रेनर पढ़ा रहा है और आपको वहां अपने टाइम पे बैठ के पढ़ना है, 2 बजे क्लास है या 3 बजे क्लास है, आप जब चाहो पूरी की पूरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, टास्क के साथ आप अपना काम करते जाओ, जो भी डाउट होगा तो डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ट्रेनर आएंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। जो भी आपका डाउट है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, हर दिन मंडे से लेकर संडे तक कोई वीक ऑफ नहीं होता, हर दिन आपको 7 बजे से 8 बजे तक आप अपने ट्रेनर के साथ आइए और अपने डाउट को सॉल्व कीजिए आपके एप्लीकेशन में और यूट्यूब पे। एक हमारे इंजीनियर ने रिव्यू दिया है इस कोर्स को सीखने के बाद, मैं चाहूंगा आप ऊपर आई बटन में उनका एक वीडियो है, उनका ऑडियो सुनिए आप, और मैं हर एक इंजीनियर से ये कहना चाहूंगा कि जिस भी इंजीनियर को इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो इससे अच्छा कोर्स यदि आपको पूरे विश्व में कहीं मिलता हो, मैं चाहूंगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम आप लोगों को और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच, पूरे जोश और जुनून के साथ करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।